प्रशांत सावंत इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे ही कर लेते हैं बातचीत। प्रशांत सर, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी अच्छे से, लाउड एंड जी क्लियर। सर बिल्कुल डिपी। सर आपका एक शेयर है, जब आप इस शेयर के बारे में बता रहे थे ना, तब भी मैंने आपसे कहा था कि सर ये शेयर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि ये ना फील गुड करवाता है कि आप ये धोखेबाज शेयर ही है। सर अभी त्रिपाठी जी ने सवाल पूछा है इंडिया सीमेंट के बारे में, आप बताइए सर क्या करना चाहिए। मैंने उनको डिम्पी आपके जी मुझे एब्सेंस में ये बता जी दिया 178 का एक स्टॉप लॉस रख लो। डिम्पी जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने जब इसके बारे में बात करी थी तब ये 203 चल रहा था और मैंने कहा था यहाँ पे बस थोड़ा ही ले लीजिए 20%, बट 216 के ऊपर इसको लेंगे। हाँ अभी जो ले रहे हैं उसका स्टॉप लॉस 185 होगा, बस थोड़ी क्वांटिटी ले लीजिए, वो भी इसलिए कि रिस्क कम है, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अगर किसी ने फिर भी लिया हुआ है तो जो आपने स्टॉप लॉस लिया है वही सही है 178, बट इसमें सही बाइंग जो बनती है वो 216 के ऊपर बनती है। ठीक है, तो 216 का इंतजार कर लेंगे सर हम, क्योंकि इंडिया जी, सीमेंट जब क्योंकि तक इसमें बहुत 216 आप चौपी है। लाएगा नहीं हम आएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, छोड़ दें, जी 178 जी त्रिपाठी जी बिल्कुल ले रखा है, 178 का लगा लो स्टॉप लॉस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 216 आ ही जाए, पार हो जाए, ताकि काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। रेंज के अंदर फंसना ना बहुत बुरा होता है, आपको जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस लग जाते हैं ना, तो फिर आपका वो पैसा कहीं और लगे लग जाता है, आप रेंज के अंदर फंसे होते हैं, कुछ वैसा ही हो जाता है, ना जिंदा में ना मुर्दे में, ना आप जिंदा हो ना आप मुर्दे, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, फंस गए। अब आप काटोगे तो ऐसा लगता है कि यार शेर भाग ना जाए, नहीं काटा तो लगे यार शेर कहीं टूट ना जाए, तो बड़ी मुश्किल होती है। प्रशांत सर एक रेन इंडस्ट्रीज आपको बताना था, 188 आपने सुबह बताया था, अभी डिम्पी ये चल जी। रहा है 186, कोई दिक्कत तो नहीं है ना लेके जाएं? डिम्पी जी इसमें 140 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर दीजिए, 325 का टारगेट है, 290-300 के पहले इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, अरे बिल्कुल वाह, होल्ड कीजिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आप जब ऐसे बोलते हैं ना सर, बगाड़ा मेरे को अपनी कुर्सी से एक बार ऊपर उठ के बैठना पड़ता है। मैं दिन में भी जब आपका इंटरव्यू चल रहा है ना, तो 2-3 बार ऐसे उठ के बैठता हूँ, जरा थोड़ा अटेंटिव होके। हाँ आपकी बात बड़ी बढ़िया सर, बढ़िया शेयर मिला है। अभी जैसे मेरे को एक ITC दिया, आपका भी लिस्ट में है ना सर ITC? तो जी अभी हमारे बिल्कुल एक मित्र है। थे गौरव, वो भी हमको बता के गए, तो रेन इंडस्ट्रीज को भूलना भूल जाओ, ठीक है, 140 का स्टॉप लॉस लगा के और होल्ड करके रखो आप इसको, ठीक है सर। कोई कोई और शेयर डिम्पी जी क्विकली अपडेट देते, और एक नई शेयर की भी बात करेंगे। बता दीजिए। तो अपडेट ये है, सबसे पहला बीएल कश्यप 23 हिट कर दिया आज, बहुत अच्छा मूव हो रहा है, बने रही है। सर ये 18 पे हमने और एंट्री की चलेगा हुई क्या? है, एक हफ्ता ही अब हुआ तो है थोड़ा इरिटेशन से होने लग गया, तो बहुत चल रहा है, तो बहुत चल रहा है, जी, बढ़िया बहुत शेयर अच्छा चल चल रहा है। रहा मेरे हिसाब से 24 के आसपास हम अच्छी खासी पोजीशन बुक कर लेंगे। एक है। स्टॉक की बात करूंगा जिसके हमने बारे में बात की थी 405 पे, वो स्टॉक था लॉरस लैब्स, और उसमें हमने 80% प्रॉफिट बुक कर लिया है लेवल्स कर करके 560 पे। आज मेरे हिसाब से पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, टोटली आउट होना चाहिए जिसके पास भी बचा। जैसे कि मेरे पास 10% पोजिशन बैलेंस थी, मैं आज बुक कर रहा हूं। तो कंप्लीट बुक कर ले लॉरस लैब से। एब्सोल्युटली, 405 एक्चुअली पे में हमने सर मैं एंट्री आपको की थी, बताऊं, एक महीना हो चुका है। लॉरस लैब आपने ही बताया था, हम मैं शेयर को कभी जी ट्रैक ही नहीं करता था, हम करते थे जी फार्मा में ल्यूपिन कैडिला और भी कुछ छोटे मोटे शेयर भी कर लेते थे, और लॉरस लैब मेरी लिस्ट में कभी भी नहीं आया, मैंने कभी मतलब इसको ज़्यादा गौर से कभी देखा भी नहीं है ना। आपके आने के बाद हमने इस शेयर को देखा भी था, आप क्योंकि इसके बड़े टारगेट्स भी दे रहे थे तो हमने इसको देखा, हमको बहुत पसंद आया, बढ़िया सर, सारे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। नेक्स्ट सर, जी। नेक्स्ट है डिम्पी जी, टाटा मोटर्स पोजीशन जो मैंने कही थी बने रही है 390 के लिए, बिल्कुल भी कुछ भी बुक मत कीजिए, बिल्कुल बने रही है। आज भी इसने नीचे आके थोड़ा जो कहते हैं वीकर हैंड्स को रिमूव करके फिर से डे हाई की तरफ क्लोज हो रहा है। जिनके पास नहीं है वो BTST के लिए भी कैरी कर सकते, बट पोजिशनली 390 टारगेट, 315 की एंट्री है, बिल्कुल बने रही है। ठीक है सर, बने हुए टाटा मोटर्स के अंदर और वैसे। एक लास्ट अपडेट होगा FSL के बारे में, इसने आज न्यू हाई बना दिया है, लाइफ टाइम हाई अराउंड 158 जाके आया है, तो इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इसमें हम अभी एक 30% प्रॉफिट बुक करना बहुत लॉजिकल स्टेप हो जाएगा। ठीक है, 30% आप प्रॉफिट ज़रूर ज़रूर बुक कर लेना चाहिए। वैसे सर आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी सारे लोग आपको थैंक यू लिख रहे हैं, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता बट उनकी भावनाएं आप मेरे ज़रिए ही समझ लीजिए, वो सब आपको जी थैंक यू भी लिख रहे हैं। अच्छा किसी ने आज सुबह पूछा भी था कि क्या प्रशांत सर अपनी आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं, तो प्रशांत सर ने कहा मैं कंसल्टेंसी की सर्विसेज तो नहीं देता, आप मेरे को ही ले लो, मेरी सर्विसेज क्या ले रहे हो, आप मेरे को ही ले लो। अच्छा मेरे को ले लो का मतलब क्या, सबके घर में थोड़ी बैठेंगे प्रशांत जी, मेरे को ले लो का मतलब इनका ज्ञान ले लो, तो ये ज्ञान दे रही हैं, इनकी क्लासेस होती हैं, आप चाहे तो इनकी क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हैं, और आगे चल के हम भी इनके साथ कोशिश करेंगे कि इसी चैनल पे
एक क्लासेस का बहुत बढ़िया रूप आपके सामने लेके आए, ताकि आप घर बैठे पढ़ाई भी करो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, हाथों हाथ पढ़ाई और हाथों हाथ कमाई, अर्निंग और लर्निंग वाला जो कंसेप्ट है एक ही स्क्रीन पर एक साथ आपको दिलवा देंगे, यहीं पे सीखते भी जाओ पढ़ते भी जाओ। ठीक है सर, सर एक शेयर आप कुछ और बताना चाहते हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूं। जी सुबह एक ही स्टॉक बचा है अपडेट के लिए। सुबह आपने पूछा था कि एलिकॉन, मैंने कहा था बने रहिए, वापस डे हाई की तरफ क्लोज हो रहा है, कंफर्टेबली बने रहिए। ठीक है सर, आपका एलिकॉन तो बहुत जबरदस्त शेयर है, उसका एक भाई भी था एमएपी, उसका तो खैर 26 रुपये हो गया वो तो रेट। अब एलिकॉन जी इंजीनियरिंग आज देखो हरे निशान में वापस लौट आया, सुबह 5% नीचे था, हमने सुबह इसको देखा था तो सुबह 4.5 से 5% नीचे था, अभी 1% ऊपर है। जी ग्रेट वन, गुड वन, अच्छे शेयर्स का यही होता है कि आ जाते हैं नीचे लेकिन वापस पुल बैक बहुत स्ट्रांग मारते हैं, बहुत जोर का मारते हैं। ठीक है सर, सर और कुछ आप बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अपडेट सारे हो चुके हैं। अपडेट सारे हो गए सर, कोई नया शेयर आप बताना चाहते थे? 27 हो गए। जी डीपी जी, नया शेयर जो मैं देख रहा हूं, बोडल केम, बोडल बोडल केमिकल। केमिकल्स में एक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा था, उस लेवल पे आ चुका है। इसमें पोजीशन बहुत कंफर्टेबली बना लीजिए, आपका स्टॉप लॉस होगा 85 रुपीज, यानी 20 रुपीज का रिस्क है, और आपका टारगेट होगा 160 रुपीज। 160 सर, कल ले लें चल जाएगा? कल ज्यादा बड़ा गैप बिल्कुल के चल साथ तो नहीं जाएगा, खुलेगा ना? बिल्कुल चल जाएगा, आज क्लोज होने दीजिए, कल लेंगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, 85 रुपये का स्टॉप लॉस नोटिस कर लो, और टारगेट कितना है सर? जी 160 का टारगेट रखेंगे इसमें। 160 डबल जैसा ही समझो आप, मोटा मोटी 160 रुपये का आपका टारगेट है, 85 रुपये का स्टॉप लॉस है। बोर्डल केमिकल नाम की कंपनी है, ये आपको पता लग जाएगा, स्पेशलिटी केमिकल के अंदर इंडस्ट्री को सप्लाई करती है केमिकल्स, तो इसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज तुम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और लास्ट का 1 मिनट हमेशा आपको हम छुड़वा ही देते हैं, 1 मिनट छोड़ दिया जी कीजिएगा, क्योंकि जो डिसीजन लास्ट के 1 मिनट में होते हैं वो खतरनाक होते हैं। ठीक है प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जी बहुत बढ़िया धन्यवाद रहा आपके डीपी। साथ आज फिर से चर्चा करके, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।